रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूं, और साथ में दोस्तों आप सभी के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी लेके आया हूं, जिसकी मदद से दोस्तों क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर दिया है a is to b क्या दिया है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर b is to c क्या दिया है 4:5 दिया है। आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों कि a is to b is to c फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है a is to b दिया हुआ, तो इस फॉर्मेट में इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप यहां पर कि b is to c दिया है, तो b यहां पर आएगा और c यहां पर आएगा, ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना। तो यहां पर 4 दिया है, तो ये 3 के नीचे क्या लिख लूंगा मैं, 4 लिख लूंगा मैं, और यहां पर 5 लिख लूंगा यहां पर इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या करोगे, यहां पर ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, आगे कोई नंबर है नहीं, है ब्लैंक है, तो 3 दिया है तो यहां पर भी 3 लिख लोगे, इतना क्लियर। उसके बाद देखोगे यहां पर ये 4 दिया है और यहां पर कुछ नंबर नहीं है, तो क्या करोगे, यहां पर ये 4 दिया है तो यहां पर 4 लिख लीजिए, बस इतना कीजिए। उसके बाद इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 5 15 हो गया, और यहां पर देखोगे इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 3 4 12 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 4 2 8। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ये देखिए आंसर, बहुत ही सिंपल ट्रिक था दोस्तों। अब दोस्तों इससे थोड़ा लेवल हाई लेके आता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि a is to b क्या दिया है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद b is to c क्या दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और यहां पर c is to d क्या दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है। और फाइंड करना है दोस्तों कि a is to d आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, यहां पर a is to b दिया है 2:3, तो यहां पर 2 इस तरह से लिखना है और यहां पर 3 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, देखिए यहां पर b is to c जो है 4:5 दिया है, तो b कहां पर है 3 के नीचे है, तो यहां पर 4 और यहां पर 5 इस तरह से लिख लिया मैंने, ठीक है। 5 को अच्छे से लिख लेता हूं मैं, 5 देखिए यहां पर लिख लिया। उसके बाद देखोगे दोस्तों यहां पर कि c is to d क्या दिया है 6:7 दिया हुआ है, तो c कहां पर है, देखिए यहां पर c है, देखिए तो यहां पर 6 होगा और यहां पर 7 लिख दूंगा। अब क्या करेंगे यहां पर, तो ध्यान दोगे दोस्तों कि यहां पर एक नंबर खाली है, यहां पर भी खाली है, यहां पर भी खाली है, यहां पर भी खाली है, और यहां पर भी खाली है, और देखो दोस्तों यहां पर भी खाली है। क्या करेंगे, यहां पर कौन कौन से नंबर आएंगे और कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर 3 दिया है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो 3 को ही कॉपी कर लीजिए 2 बार इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कॉपी कर लीजिए। उसको देखोगे यहां पर कि यहां पर खाली है, तो यहां पर 5 दिया है, तो इसको ही कॉपी कर लीजिए, यहां पर 5 लिख लीजिए। यहां पर देखोगे ये कुछ नंबर यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो 4 यहां पर दिया हुआ है, तो क्या करोगे 4 को यहां पर लिख लोगे। और यहां पर देखोगे कि 2 नंबर खाली है, यहां पर 6 दिया है, तो पीछे हम लोग क्या करेंगे 6 ही लिख लेंगे 2 बार, तो यहां पर 6 और यहां पर 6 लिख लिया मैंने। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, देखिए इन तीनों नंबर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 4 8 और 8 6 कितना होगा, देखिए 2 4 8 और 8 6 कितना होगा 48 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 48। उसके बाद यहां पर 3 4 12 और 12 6 कितना होगा 72 हो जाएगा, तो यहां पर 72। उसके बाद 3 5 15 और 15 6 कितना होगा 90 होगा, और यहां पर 3 5 15 और 15 7 कितना होगा दोस्तों 105 होगा, ठीक है। अब दोस्तों निकालना क्या है, यहां पर a is to d निकालना है, तो ये रहा a और ये रहा d, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म करना होगा, मतलब जितना रिड्यूस होता है उतना रिड्यूस कर लीजिए। एक ही नंबर से आप देखिए कि कौन सा नंबर इन दोनों को काट देगा, मतलब डिवाइड कर देगा, आपको ये फाइंड करना है। तो यहां पर देखोगे कि 3 एक ऐसा नंबर है, 3 एक ऐसा नंबर है, तो देखो 3 1 3, ठीक है, 3 6 18, और यहां पर दोस्तों देखिए 3 3 9, 3 5 15,
ऑप्शन मिल रहा है यहां पर, ऑप्शन मिल गया, देखिए यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया कि 16:35 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके हम देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर बोला है कि ए टू बी टू सी जो है 2:3:4 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कि ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ए क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर पाओगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आइए आपको सिखाता हूं। देखिए यहां पर ए को समझना है आपको 2 समझना है, बी को आपको 3 समझना है और सी को आपको 4 समझना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां पर ए दिया है तो यहां पर 2 लिखोगे, बी की जगह क्या लिखोगे 3 लिखोगे, और यहां पर सी की जगह क्या लिखोगे, सॉरी बी की जगह क्या लिखोगे यहां पर 3 लिखोगे, तो यहां पर 3, सी की जगह यहां पर 4, और यहां पर सी दिया है तो फिर 4 लिखेंगे, और ए की जगह यहां पर 2 लिख देंगे, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब आपको एलसीएम निकालना होगा, तो यहां पर एलसीएम निकाल लेते हैं, देखिए 3, 4 और 2, तो यहां पर 3 ऐसे आ जाएगा, 2 2 4 2 1 2, और यहां पर दोस्तों 3 ऐसे आएगा 2 1 2, और यहां पर 3 1 3, 2 2 4 और 4 3 12, तो 12 आपका एलसीएम निकला है, ठीक है। अब इसके बाद आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा कि इतनी मेहनत आपको नहीं करनी होगी, ठीक है, पहले आपको ये सिखा देता हूं उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा। देखिए यहां पर बॉक्स बनाओगे, यहां पर बॉक्स बनाओगे, और 3 के टेबल में 12 कब आता है ये आप माइंड में आप कैलकुलेट करोगे, तो 3 4 12, तो यहां पर 4 लिखा मैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 2 8 यहां पर लिख लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर देखोगे 4 दिया हुआ है, 12 कब आएगा, 4 3 12, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 9, तो यहां पर 9 लिख लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 दिया है, यहां पर 12 है, तो क्या करोगे, यहां पर 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 12 आता है, तो यहां पर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर लिख दोगे 8:9:24 आ गया। देखिए ऑप्शन आपके सामने, देखिए ये रहा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कहां है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों को शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाता हूं कि इतना एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होगी, शॉर्टकट ट्रिक से आप आंसर निकाल पाओगे। देखिए आप जब यहां पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर 3 दिया है, तो आप क्या करोगे, इस 2 को याद रखोगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर जो बैठा हुआ है इसको भूल जाओगे, बाकी के नीचे को मल्टीप्लाई कर लोगे। कैसे, देखिए 2 4 8 और 8 2 16, ठीक है, ऐसा लिख लिया आपने। अब बोलोगे सर आंसर अलग हो गया, अलग नहीं हुआ, आप बेफिक्र रहिए आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर 3 है तो इसके नीचे को छोड़ देंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9, 9 2 18, तो यहां पर 18 लिख लेंगे इस तरह से। उसको देखोगे ये 4 दिया हुआ है तो इस नीचे वाले को छोड़ देंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 4 16 16 3 48, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो रेड्यूस फॉर्म क्या होगा, देखिए यहां पर कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा यहां पर, तो देखोगे यहां पर जो है 2 हो सकता है, तो 2 8 16, 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, देखिए ये और ये मैच हो गया, तो इस तरह से निकाल सकते हो। देखिए दोनों तरीका सिखा दिया मैंने, जो आपको इजी लगे वो प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में लिख के आओगे, राइट। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम करीब आ गया है, और एग्जाम का मतलब ही होता है दोस्तों प्रैक्टिस होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, इसलिए दोस्तों आपके लिए ये बुक लेके आओ, और इस बुक में दोस्तों को प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे जिससे दोस्तों प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इस बुक की बेनिफिट क्या है आइए आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएंगे बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्व, और उसके बाद दोस्तों सेकंड बेनिफिट क्या है, सॉल्व पेपर्स फॉर रिवीजन, और थर्ड बेनिफिट दोस्तों अनसॉल्व पेपर फॉर प्रैक्टिस, और यहां पर दोस्तों सॉल्यूशन फॉर द अनसॉल्व पेपर गिवन इन द वेबसाइट, मतलब जो अनसॉल्व पेपर है उसके सॉल्यूशन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। और ये बुक दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस जो अपडेट दिया है सीबीएसई ने उसके हिसाब से बनाया गया है दोस्तों, और ये बुक मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिससे दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों ये बुक परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जाके आप परचेस कर सकते हो, तो ऑल द बेस्ट करोगे। यहां पर क्या दिया दोस्तों कि P:Q:R जो है 1/3:2/3:1/4 दिया है, और Q का वैल्यू क्या है दोस्तों 56 दिया है, और आपको फाइंड करना है P-R की वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर देखोगे कि P की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो यहां पर 1/3 लिख लूंगा। उसके बाद दोस्तों देखोगे यहां पर R का वैल्यू क्या है 1/4 है, तो यहां पर 1/4 लिखूंगा। अब यहां पर माइनस लगा देता हूं, ठीक है। यहां पर दोस्तों एलसीएम भी यूज कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आइए आपको सिखाता हूं। सबसे पहले 4 1 4 लिख लीजिए, उसके बाद 3 1 3 लिख लीजिए, बीच में माइनस, और नीचे दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 4 12, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखोगे 4 माइनस 3 क्या होगा 1/12 होगा, ठीक है। अब बोलोगे आंसर तो मैच नहीं हो रहा है,
हाँ कैसा आंसर निकाल लिया आपने, ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आगे भी सॉल्व करना है। देखिए यहां पर Q की वैल्यू दोस्तों 56 दिया है, ठीक है, तो Q की वैल्यू यहां पर क्या दिया है, 2/3 दिया है, तो 2/3 के लिए अगर 56 है, 2/3 के लिए 56 है, तो यहां पर दोस्तों क्या है, 1/12 आया, तो यहां पर 1/12 लिखता हूं मैं और यहां पर क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई और यहां पर डिवाइड, क्रॉस में मल्टीप्लाई और यहां पर डिवाइड, मतलब 1/12 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सीख लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में गलत करके आओगे, नहीं सीखोगे तो। सबसे पहले यहां पर देखोगे कि 1/12 लिखा है, उसके बाद 56 लिखा है, और ये जो नीचे दिया है ना उसको ऊपर लोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, मतलब डिविजन से आप ऊपर ले जा रहे हो इसके लिए, ठीक है। अब कैंसिल करिए, यहां पर देखोगे कैंसिल करता हूं, 2 2 2 4 और यहां पर 2 8 16, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे 4 3 12 और यहां पर 4 7 28, उसके बाद देखोगे यहां पर 3 3 कैंसिल हो गया, यहां पर 7 आपका राइट आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, यही बताने आया हूं। यहां पर क्या करोगे देखिए, यहां पर दिया a/b 2/3 दिया है, b/c 4/5 दिया है, आपको फाइंड करना है a+b/b+c। तो कैसे फाइंड करोगे, यहां पर जो दिया हुआ a/b उसको आप इस तरह से लिख लोगे a:b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। यहां पर 2/3 दिया है तो उसको 2:3 लिख लो, ठीक है। और यहां पर दोस्तों देखोगे क्या दिया है, b/c दिया है, तो b:c क्या होगा दोस्तों, 4:5 होगा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे 2:3 लिखेंगे, यहां पर ये b यहां पर खत्म होता है, तो यहां पर 4:5 दिया, तो यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और यहां पर कोई नंबर दिया नहीं है, यहां पर 3 दिया है तो यहां पर 3 लिख लेंगे, और यहां पर आगे कोई नंबर दिया नहीं है तो ये 4 दिया है तो यहां पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 4 कितना होगा 8 होगा, 3 4 कितना होगा 12 होगा, और यहां पर 3 5 करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा। देखिए इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इससे यह पता चल गया है कि a:b:c आपको यह पता चल गया है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर a+b मतलब क्या होगा कि a का वैल्यू 8 है तो यहां पर 8 लिखोगे, और b का वैल्यू क्या है देखिए यहां पर 12 है तो यहां पर आप 12 लिखोगे, और यहां पर b फिर से दिया हुआ है तो यहां पर फिर से 12 लिख लोगे, और c का वैल्यू क्या है दोस्तों यहां पर 15 है तो यहां पर आप 15 लिख लोगे, ठीक है। अब ये सब नंबर को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 8 + 12 कितना होगा 20 होगा, और 12 + 15 क्या होगा 27 होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।